EVS chapter, new chapter, chapter number 15, the world of animals. Okay, so take your book and start reading with me. Okay, the name of chapter is the world of animals. Everybody like to have an animal, है ना? मुझे मेरे पास भी dog है, सबको पता है. क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर animals से कुछ होते हैं तो हम आपस में तो प्रेम करते हैं, पर हमें एक फीलिंग डेवलप हो जाती है जो हमें एनिमल्स या एनवायरनमेंट के प्रति होनी चाहिए. इसलिए आप सबको एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है. एनवायरनमेंट में एनिमल्स तो आते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. ओके, एवरीबडी नोज वेयर दीज एनिमल्स लिव. ओके, आर अर्थ इज अ होम ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स. हाँ, हम सब ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखे हैं. सम एनिमल्स आर बिग वाइल अदर्स आर स्मॉल. कुछ बिग हो सकते हैं, कुछ स्मॉल हो सकते हैं. द एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. यस, दोज हु लिव्स इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. सम दैट लिव ऑन फार्म्स और एट आर होम्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. और कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स जो हमारे साथ या हमारे फार्म में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स. देयर आर ऑल्सो एनिमल्स दैट स्विम इन द वॉटर एंड फ्लाई इन द स्काई. कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? दे लिव इन द वॉटर एंड फ्लाई इन द स्काई. नाउ टर्न द पेज. Animals and their food. Animals eat different kinds of food. जैसे अब हम सब अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, कोई वेजिटेरियन होता है, किसी को स्पाइसेस ज़्यादा पसंद है, किसी को कम पसंद है. Some of them hunt and eat the flesh of other animals. Animals क्या करते हैं? उनमें से कुछ एनिमल्स हंट करते हैं, मतलब कुछ एनिमल्स का शिकार करते हैं और उन्हें खाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. सच एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटर्स. फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, ये सब क्या है? दोनों फ्लैश ईटिंग एनिमल. ये दूसरे जानवरों को मारते हैं और उन्हें खाते हैं. सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स लीव्स एंड ग्रास. They are called plant eaters. For example, cow, elephant, giraffe, etc. मतलब etc. ये क्या होते हैं? आपने देखा होगा जिराफ को और काउ को, एलिफेंट को. दे ईट ओनली लीव्स और ग्रास और प्लांट. तो दीज आर कॉल्ड प्लांट ईटर्स. नाउ देयर आर ऑल्सो एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्या करते हैं? वो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी. फॉर एग्जाम्पल बैर्स, क्रोज एंड फ्रॉग्स. दे आर दोज एनिमल्स, दे ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स. सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स पता है आपको ऐसे होते हैं जो कि मरे हुए जानवर को भी खाते हैं. दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. What is the spelling of scavengers? S-C-A-V-E-N-G-E-R-S. Scavengers. Vultures, jackal, hyenas are search animals. ये क्या हैं? जो dead animals को खाते हैं. And what they are called? Scavengers. Now next page. Uses of animals. Animals are very useful to us. They give us many things and also help us in different ways. What does they do? They give us different things and help us in many ways. How they help us? Let's see. Horses and bullocks pull carts and wagons. They carry heavy loads for us. हॉर्सेस क्या होते हैं? हॉर्स, बुलक कार्ट. वो क्या करते हैं? आपने देखी होगी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, उसमें हम सामान रख के हैवी लोड रखते हैं, उसमें भारी सामान, और इधर से उधर लेकर जाते हैं. हैंस एंड डक्स ले एग्स. एग्स आर गुड फॉर आर हेल्थ. एवरीबडी नोज
हमने ईटिंग हेल्दी चैप्टर पे देखा था कि कुछ लोग एग भी खाते हैं और एग आजकल वेज में आने लगा है. ओके, काउस गोट्स एंड बफेलोज गिव अस मिल्क. हु गिव्स अस मिल्क? काउस एंड बफेलोज गिव्स अस मिल्क. शीप गिव अस वूल. व्हाट डज शीप गिव अस? वूल. वूल इज यूज टू मेक वूलन क्लोथ. अभी जो हमने विंटर में क्लोथ्स पहने थे वो किसके थे? वूलन के थे ना. एंड हु गिव्स अस वूल? शीप. वी ईट मीट ऑफ एनिमल्स सच एज हैंस एंड गोट्स. जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं ना, दे ईट मीट. तो वो किसका मीट लेते हैं? जनरली दे ईट मीट्स ऑफ सच एनिमल्स लाइक हैंस एंड गोट. दे ऑल्सो ईट फिश. डॉग्स हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल. दे गार्ड आर होम्स. कैट्स कीप माइस अवे. डॉग क्या करता है? गार्ड आर हाउस. थीप से हमारे घरों को बचाता है. और कैट क्या करती है? बिल्ली. बिल्ली चूहों से घरों को बचाती है. जो चूहे हो जाते हैं ना हमारे घरों में, उनको भगा देती है. हनी बीज मेक हनी फॉर अस. हनी इज गुड फॉर आर हेल्थ. शहद खाते हैं ना सब, शहद पराठा भी अच्छा लगता है. मिल्क में हनी को मिक्स करके खाओ, इट विल ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ. अ हनी, देखो डू यू नो में क्या लिखा है. अ हनी बी विजिट्स 50 to 100 फ्लावर्स ड्यूरिंग अ कलेक्शन ट्रिप. जब हनी बी हनी कलेक्ट करने के लिए जाती है तब वो कितने फ्लावर्स को मिलती है एक बार में? शी गोज टू द 50 to 100 फ्लावर्स. ओके, वी गेट सिल्क from silkworms. From where do we get silk? We get silk from silkworm. A single silkworm can produce up to 50 meter of fiber in a minute. कितना सारे फाइबर बना लेती है एक silkworm? 50 meter. We make leather from the skin of dead animals such as camel, snake and crocodile. Leather is used to make shoes, purses, bag and बैग्स. हम डेड एनिमल्स की स्किन का भी यूज करते हैं. कैसे? आपके पापा जो बेल्ट लगाते हैं, आपके जो स्कूल के लेदर के बैग हैं, मम्मा के पर्स हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो सब आते हैं आपके डेड एनिमल की स्किन से. किसके? डेड एनिमल्स की स्किन से. ओके, तो आप सबको यह चैप्टर पढ़ना है 2 से 3 बार कम से कम. यू हैव टू रीड दिस चैप्टर ट्वाइस और थ्राइस. ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन द लाइव क्लास ऑल्सो टुमारो. बी रेडी विद द बुक. ओके, वी विल सॉल्व द बुक्स एक्सरसाइज ऑफ दीज ऑल्सो. ओके, एंड वी विल हैव सम फन. वी विल लिसन अ स्टोरी ऑल्सो. आपको स्टोरी सुनना अच्छा लगेगा, है ना? वी विल एन्जॉय द क्लास tomorrow. So be ready, I am waiting for you. Please join the Zoom class. Okay, bye, take care.